कृष्ण महाराज की। देखिए भोजन करते करते जरा इधर भी ध्यान रखना है, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दें। शांति मौन में शांति होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी अशांति अच्छी नहीं है। आप लोगों को कुछ एक सूचना करनी है, वो सूचना जरा सुने। दादा से सोन दादा जब हमको सूचना दे रहे हैं तो जरा इधर ध्यान देना आपने। श्री गोपाल ध्यान दें कृपया। हमने अभी 22 तारीख को श्री गीता जयंती पे अपने पीढ़ी से चली आ रही श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी को अंग्रेजी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ताकि जो अभी के बच्चे आने वाली पीढ़ी या जो अंग्रेजी में पढ़ने के इच्छुक होंगे गीता को, हमारी जो परंपरा पीढ़ी से चल रही है सरल हिंदी वाली, वो उनके लिए उपलब्ध की जाएगी। और हमने एक प्रयास किया था कि श्री दत्त जयंती पे हम उस किताब को या अपने परम पूज्य बाबा जी के शुभार्थों से लॉन्च करें, तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो हमने सोचा शांति भवन में शांति से ही एक कार्य किया जाए। तो अब बाबा जी हमारे परम पूज्य श्री बाबा जी गीता भवन चंडीगढ़ के, उनके शुभार्थों से पहली बार ये श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लॉन्च की जा रही है। कृपया ध्यान दें और ताली के साथ स्वागत करें। जी गोपाल कृष्ण को 1925-1930 के अंदर जलंधर में लेकर के इस ग्रंथ को हम हिंदी भाषियों के लिए संस्कृत का हिंदी के अंदर अनुवाद किया हमारे दादा गुरु के गुरु जी, हमारी अभी एक छोटी पीढ़ी है। तो उन्होंने हम उत्तर भारतीय लोगों के लिए हिंदी के अंदर सरल हिंदी गीता, जो विदेश में रहते हैं जो बाहर रहते हैं उनके लिए हिंदी, और अब इसकी मांग हिंदी से इंग्लिश के अंदर ज़्यादा लोग चाहना करें। जो बच्चे बाहर रहते हैं देख खुशी है, जिनको हिंदी पढ़ने में ज़रा दिक्कत होती है, तो वो बच्चे कुछ ने दादाजी को बोला कि भाई आप हमारे बच्चों के लिए हिंदी जो गीता है उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करें। तो दादाजी ने और अपने केशव भैया इन्होंने उसका अनुवाद हिंदी का ही इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके वैसे का वैसे। तो ये आप लोगों के जो बच्चे आज के हिंदी जो पढ़ पाते हैं उनके लिए ये सेवा उपलब्ध करवाई है। आगे उद्धव गीता ज्ञान प्रबोध ये ग्रंथ भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का पूरा प्रयत्न
आप लोगों की सेवा में हमारी परंपरा है। हमारे दादा भक्ति उन्होंने इसी हिंदी गीता के रूपांतर किया। हमारे जो बड़े गुरु जी के जो गुरु जी थे उन्होंने कई ऐसी पोथियां लीला चरित्र भानु प्रताप ऐसे कई ग्रंथों का व्याख्यान हिंदी भाषा के लिए किया। और हमारे श्री गुरु जी परिमल वाले बाबा जी ने 40 साल परिमल को आपके सामने प्रस्तुत किया, आपके सामने रखा और हिंदी गीता 40 साल के अंदर निःशुल्क वितरण, कभी किसी से 2 रुपया ना लेते हुए उसका हमने नित्य पाठ करने गुरु जी ने छपाई। और वही सेवा हमारी परंपरा आगे चले इसके दादाजी का ये प्रयत्न है। तो महाराज दादाजी को उनको यश दे और ऐसी क्रिया करवाते रहे। बुद्धि सबको पास होती है, पढ़े लिखे होते हैं, पैसे होते हैं, लेकिन कहाँ लगाना, कैसे लगाना, उसका यूज करना, ये महाराज जाते तो होता है। महाराज ये सेवा करे आगे और उनकी सेवा करवाते रहे। तो एक बार जयकारा बोले, श्री गोपाल।